हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर करा था, चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हमने कंप्लीट कर दिया था, और हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था डाइजेशन इन अमीबा और कैसे वो अपने स्यूडोपोडिया को यूज करके मूवमेंट और अपने प्रे को पकड़ता है। तो आज हम उसी, और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो आज हम इस चैप्टर की डेथ एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आपके एनसीईआरटी में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। आप चाहे तो अपनी एनसीईआरटी के जहाँ पे क्वेश्चन है उनके सामने इनके आंसर्स लिख सकते हैं, ताकि आपके लिए बाद में इजी हो रिवाइज करने के लिए। और इस वीडियो को पॉज करके फिर आप इन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करिएगा, फिर देखिएगा, क्योंकि आपको फिर पता नहीं चलेगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। मैं पहले क्वेश्चंस पढ़ती हूँ, फिर हम आगे इसके आंसर्स देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर डैश 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 एंड डैश। सेकेंड, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज डैश। थर्ड, द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस विच act on the food. Fourth, the inner wall of the small intestine has many funnel-like outgrowths called dash. And fifth, amoeba digested food in the dash. तो पहले आप इस वीडियो को पॉज करिए, फिर आंसर्स करिए। सो आई होप आपने ये पॉज करके आंसर्स लिख लिए होंगे। तो चलिए अब आंसर्स देखते हैं और आप अपने corrections भी चेक कर लीजिए। तो इसके आंसर्स है, द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन आर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। मैंने आपको ये अमीबा में भी कैसे लिंक होता है ह्यूमन से और ह्यूमन्स के में भी अच्छे से बताया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों लेक्चर्स डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। और इंजेशन होता है जब हम फूड को इंटेक करते हैं, डाइजेशन जब वो डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्प्शन जब एब्जॉर्ब होता है एंड सो ऑन। और आखिर में सबसे लास्ट होता है इजेशन, जो होता है एक्सक्रीशन आउट, जो एक्सक्रीट आउट फैकल मैटर हमने पढ़ा था वो है। एंड द लार्जेस्ट ग्लैंड हमने लास्ट लेक्चर में कवर करा है, जो कि है लिवर, लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर है। द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। मैंने बताया था कि हर एकदम सेकेंड लेक्चर में बताया था कि हर ऑर्गन अपना खुद का डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है फूड को डाइजेस्ट करने में। और फोर्थ का आंसर है, द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड विलाई। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि विलाई कैसे हेल्प करता है, वो सरफेस एरिया बढ़ा देता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में। और फिफ्थ है, अमीबा डाइजेस्टेड फूड इन द फूड वैक्यूल। ये भी हमने पढ़ा था कि अमीबा कैसे अपना फूड कंज्यूम करता है, कैसे डाइजेस्ट करता है। सो बेसिकली अगर आपने मेरे लेक्चर एकदम प्रॉपरली नोट्स के साथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ देखे होंगे तो आपके आंसर्स चुटकियों में हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रू और फॉल्स। सो बेसिकली इसमें ट्रू और फॉल्स मार्क करना है, तो इसको पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर हम आगे इसके आंसर देखेंगे। सो इसमें है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक, ट्रू और फॉल्स। सेकेंड, the tongue helps in the mixing food with saliva. Third, the gallbladder temporarily stores bile. And fourth, the ruminants bring back swallow food. यहाँ पे food होना चाहिए swallow food. True or false? तो I hope आपने pause करके answers लिख लिए होंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। So इसके answers है, digestion of starch starts in the stomach. ये है false. क्योंकि इसलिए है ये फॉल्स, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट होती है माउथ के अंदर। माउथ में कैसे होती है, जो सलाइवा होता है वो हेल्प करता है स्टार्च में ब्रेक डाउन, और वो सबसे पहला स्टेप होता है डाइजेशन का, ठीक है। सो अगला है, द टंग हेल्प्स इन द मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू कि सलाइवा के साथ हेल्प करता है टंग, हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, हेल्प करता है च्यू करने में फूड। थर्ड, द गॉल ब्लैडर टेम्परेरली स्टोर्स बाइल। इट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली ट्रू, जो गॉल ब्लैडर होता है जो लिवर में प्रेजेंट होता है उसमें बाइल जूस होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फोर्थ, द ह्यूमन ब्रिंग बैक द स्वॉलो फूड।
ये भी ट्रू है क्योंकि जो र्यूमिनेंट्स है मैंने बताया था उनमें ये एबिलिटी होती है अपना फूड वापस लाने में। हमने ये पढ़ा था ह्यूमन से, जो उसके उनकी बॉडी में ह्यूमन प्रेजेंट होता है वहां पे फूड वो बस स्वॉलो, पहले वो एकदम निकलते हैं फिर उसको बैठ के स्वॉलो करते हैं। तो ये भी ट्रू है और आई होप आपको ये सारे आंसर्स आपके सही होंगे। अगर आपके आंसर सारे सही हैं तो मतलब आपने चैप्टर आपका प्रिपेयर्ड है, आपने अच्छे से करा। और अगर आपका कुछ एक दो आंसर्स गलत है तो कोई बात नहीं, अच्छे से रिवाइज करिएगा। और अगर आपके कोई भी आंसर सही ना हो तो आपको एक बार फिर से लेक्चर देखिएगा मेरे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने एक एक चीज इतने अच्छे से समझाई है, आप अच्छे से देख लीजिएगा फिर आपका, फिर ट्राई करिएगा फिर अच्छे से हो जाएगा आपका। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो बेसिकली अगला क्वेश्चन है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, फिर आप वीडियो को पॉज करके आंसर्स लिखिएगा। सो इसमें एक क्वेश्चन है, द फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द फर्स्ट ऑप्शन इज स्टमक, सेकेंड इज माउथ, थर्ड इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फोर्थ इज लार्ज इंटेस्टाइन। और सेकेंड क्वेश्चन है, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द फर्स्ट स्टमक, सेकेंड फूड पाइप, थर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फोर्थ इज लार्ज इंटेस्टाइन। सो अब इस वीडियो को पॉज करके इन सारे आंसर्स इस क्वेश्चन के सामने लिखिए। सो आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलिए अब इसके आंसर देखते हैं। सो पहले वाले का जो आंसर है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि जो फैट बेसिकली मैंने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सिर्फ सारे फैट्स ही कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ बचे हुए जो मैटर होता है, जो अनडाइजेस्टेड मैटर होता है वो एब्जॉर्ब होता है सिर्फ। तो इसलिए इसका आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। और सेकेंड वाले का फूड वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन लार्ज इंटेस्टाइन, मैंने बताया था कि वो लास्ट लास्ट स्टेप है डाइजेशन का, ह्यूमन डाइजेशन का। और सारे जो फैकल मैटर सॉल्ट वाटर प्रेजेंट होते हैं वो सारा लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट कर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आई होप आपके ये भी आंसर ठीक होंगे, और अगर नहीं होंगे तो एक बार फिर से रिवाइज करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आगे आपका क्वेश्चन आता है मैच द कॉलम। सो इसमें बेसिकली ये सारे कॉलम वन है और ये सारे कॉलम टू है। सो बेसिकली इसमें आपको मैच करने की कौन सा सही है। सो बेसिकली पहले आप ये एक साथ करें फिर एक साथ मैच करें। ये थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है पर आप ट्राई करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ट्राई करने से ही समझ आता है फिर। सो कॉलम वन में है ऑप्शन फूड कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। और वेयर एज कॉलम टू में है प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, शुगर एंड अमीनो एसिड्स। सो अब इस वीडियो को पॉज करिएगा और इसको करने की कोशिश करें। सो आई होप आपने पॉज करके कर लिया होगा। सो चलिए अब इसके आंसर्स देखते हैं। सो पहले आता है फूड कंपोनेंट्स। सो इसका ऑब्वियसली इसके सामने ही आंसर था प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, क्योंकि अगर आप नॉलेज भी लगाते तो ये तीनों कहीं ना कहीं से मैच बिल्कुल नहीं करते, ये एकदम अलग सा क्वेश्चन है, अलग सा आंसर है। सेकेंड है कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसका आंसर है शुगर्स। और थर्ड है प्रोटीन, जिसका आंसर है अमीनो एसिड्स। एंड फैट्स का है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। सो बेसिकली अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं मैच द कॉलम अपने अपने पेपर में सही करने का, आप कभी भी पहली बार कभी भी ऐसे क्रॉस करके मत लिखिएगा। मैंने बस आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए करा है, पर आप हमेशा करिएगा। अगर यहाँ पे गिवन नहीं है तो पहले आप 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके डाल दीजिए। फिर जहां पे जो भी आंसर है, जैसे फर्स्ट का फूड कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन है तो इसमें फर्स्ट ही लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स का शुगर है तो इधर सेकेंड लिखेंगे, प्रोटीन्स का अमीनो एसिड है तो यहाँ पे थर्ड लिखेंगे, और फैट्स का फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है तो फोर्थ लिखेंगे। और सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है मैच द कॉलम में कि सबसे पहले आप वो मैच करिए जो आपको आता हो, जैसे फैट्स और फैटी एसिड एकदम इतना लिंक करते हैं तो आपको बिना आग बंद करे इस पे मैच कर देना है। फूड कंपोनेंट्स प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन एकदम लिंक करते हैं तो आपको ये कर देना। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन ये सब बहुत अच्छे से पढ़े हो तो आप ये आग बंद करके आराम से कर सकते हैं। पर अगर अगर कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी भूल जाते हैं,
तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ याद नहीं आता, तो तब आप ऐसा ही करिएगा कि सबसे पहले जो आपको अच्छे से एकदम लिंकअप लगता है, जैसे फास्ट स्टार्ट या ऐसे बहुत लिंकअप एकदम क्लोजली लिंकअप लगता है, तो इसको मैच कर दीजिए। प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन और फूड कंपोनेंट एक साथ लिंक लगते हैं क्योंकि एकदम अलग हटके इन तीनों से, क्योंकि ये सारे तो सारे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन जो फूड में प्रेजेंट होते हैं सारे, और ये एकदम हटके हैं, तो इनको पहले मैच कर लीजिए। तो फिर ऐसे कर करके फिर आप करें। तो इसलिए ये एक मेन ट्रिक होती है जो एग्जाम्स में यूज आती है, और ये आई होप आप लोगों को भी यूज है अच्छे से। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैंने आपके लिए इतना ही कवर करा क्योंकि अगला क्वेश्चन आंसर्स वाला आपका है जो क्वेश्चन आते हैं, तो उसको मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन ले उसका, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स ही सबसे ज्यादा इस चैप्टर से बनते हैं। तो इसलिए आज मैंने सोचा पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस कवर करूँ, पर ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आंसर्स के बाद कोई क्वेश्चंस नहीं है, उसके आगे भी 1 मार्कर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, पर मैंने सोचा आज आपके लिए ज्यादा ना करूँ ताकि आप पिछला लेक्चर जिसी का अगर छूटा हो तो आप देख सके, ताकि आपके नोट्स सब कुछ अप टू डेट हो और आपके लिए सब कुछ क्लियर हो जाए। आज का लेक्चर बस इतना ही है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और अब तक जो भी डाउट है, तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लेक्चर्स है उसको देखिए, और अगर उसके बाद भी कोई आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर दे दूंगी। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।